जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के लेक्चर नंबर 10। ओके, तो डिस्कशन करते हैं आज के लेक्चर का एक मोटिवेशनल कोट के साथ। सफलता बार बार और दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों का योग है। देखिए, इसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है कि जो हमको सक्सेस मिलता है, जो डेली हम डेली जो छोटे छोटे प्रयास करते हैं ना, डेली का टारगेट बनाते हैं, आज हमें ये पढ़ाई करनी है, आज ये पढ़ाई करनी है, उस सबको इकट्ठा करके उस सफलता को दिन प्रतिदिन के छोटे प्रयासों का एक रूप ही होता है एक बड़ी सफलता। ठीक है, तो हमें छोटे छोटे प्रयास करते रहने चाहिए, डेली के लक्ष्य बनाते रहने चाहिए, वीकली गोल सेट करते करते हम एक दिन सफल जरूर होंगे। ओके, तो आज की हमारी पहली मिनिस्ट्री होगी कोयला मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। हमें इसके बारे में बस जानना कुछ नहीं है, बस हमें वन डे एग्ज़ाम के लिए हमें बस ये याद रखना है कि इनके मिनिस्टर कौन है। अभी इस समय प्रहलाद जोशी कैबिनेट मिनिस्टर हैं कोयला मंत्रालय के। तो इससे रिलेटेड जितनी भी योजना है, जितनी क्या जो इम्पोर्टेंट योजना है, उनके बारे में ही हम पढ़ेंगे। यानी कि योजनाओं के बारे में तो बहुत कुछ है इसका, यानी बहुत बड़ी एक मिनिस्ट्री है इसके अंतर्गत, लेकिन वन डे एग्ज़ाम के हिसाब से, जो UPSC या BPSC के हिसाब से अगर देखा जाए, तो बस इतना ही पूछा जा सकता है कि जो योजनाएं हैं, जैसे इस तरह की योजनाएं, इसमें शक्ति है, उत्तम है, प्रकाश है, तो नाम अगर दे दिया जाए तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इनकी अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी फुल फॉर्म भी हैं। जैसे मैंने इसमें स्लाइड में बस यही दिखाया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे शक्ति किससे रिलेटेड है, अगर ये पूछ लिया जाए तो गैस नहीं कर सकता कोई इंसान, क्योंकि वो समझेगा कि या तो ये वुमेन एम्पावरमेंट से होगी, या हो सकता है कि पावर मिनिस्ट्री से होगी, किसी से भी हो सकती है। लेकिन हमें याद रखना है कि जो शक्ति है, ये एक स्कीम है जो कोयला मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला, यानी कोयले के लिए जो खदानों के लिए एलोकेटिंग होती है, उससे रिलेटेड है ये शक्ति। दूसरा है उत्तम, ये एक मोबाइल ऐप है। तो अगर पूछा जाता है कि उत्तम किससे संबंधित है और ये क्या है, तो हमें याद रखना है ये एक मोबाइल ऐप है और कोयला मिनिस्ट्री से संबंधित है ये। तो उत्तम की भी अपनी एक फुल फॉर्म है, अनलॉकिंग ट्रांसपेरेंसी बाय थर्ड पार्टी असेसमेंट ऑफ माइंड कोल। वही सीधी सी बात है, ट्रांसपेरेंसी के लिए ये एक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म हमें याद रखनी है और इतना पता होना चाहिए कि उत्तम किससे संबंधित है। बस हमें अगर पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि उत्तम क्या है, तो बताना है मोबाइल ऐप है। अगर पूछा जाए कौन किससे संबंधित है, तो कोयला मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, ऐसे ही प्रकाश है, प्रकाश को अगर हम गैस करेंगे तो वही फिर दोबारा से हमें यही लगेगा कि ऊर्जा मिनिस्ट्री से संबंधित होगा, लेकिन नहीं, ये एक वेब पोर्टल है, यानी एक वेब पोर्टल है। जैसे बताया था ना कि कोई वेब पोर्टल होते हैं या मोबाइल ऐप होते हैं, तो वेब पोर्टल है। क्या क्या है इसकी फुल फॉर्म, पावर रेल कोयला अवेलेबिलिटी थ्रू सप्लाई हारमोनी। तो हमें बस क्या याद रखना है, इन तीनों की फुल फॉर्म हमें याद रखनी है, ये पता होना चाहिए किससे संबंधित है, यानी कोयला मंत्रालय से संबंधित है। ये क्या है, उत्तम क्या है, एक मोबाइल ऐप है, प्रकाश क्या है, एक पोर्टल है, वेब पोर्टल है। ठीक है, तो कोयला मिनिस्ट्री से बस इतना ही हमें पढ़ना है। बाकी दूसरी मिनिस्ट्री आज की डेट की है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार मंत्रालय। संचार मंत्रालय की जो स्कीम होगी, हमारी सबसे पहली स्कीम होगी राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। एक मिशन है ब्रॉडबैंड, जैसा मिशन मैंने बताया था, इस मिशन के अंतर्गत कुछ टारगेट होंगे, छोटी छोटी योजनाओं से जुड़ के एक टारगेट बनाया जाता है, उस टारगेट को हमें अचीव करना होता है। ठीक है, तो ब्रॉडबैंड मिशन क्या है, देखिए यह एक मिशन है, यानी एक अभियान है जो राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 यानी 2018 में एक राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति बनाई गई थी, नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 में, उसका एक हिस्सा है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान। क्या होगा इसके अंतर्गत, देखिए इसमें कुछ हो भी अभी तक, यानी अभी तक देखा जाए टिल भारत नेट कार्यक्रम के माध्यम से, एक इसके अंतर्गत एक भारत नेट कार्यक्रम चलाया गया है। इसके माध्यम से क्या हुआ है, ब्रॉडबैंड सेवाएं 142,000 गाँव के ब्लॉकों तक पहुंच चुकी हैं। आगे हम भारत नेट के बारे में पढ़ेंगे तब और ज़्यादा, बस हमें बस इतना याद रखना है कि भारत नेट भी इसी के अंदर आता है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के, और ये गाँव में ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचा रहा है। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान का विज़न डिजिटल संचार ढांचे का विकास,
ठीक है, यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमें पूरा उसका डेवलपमेंट करना, डिजिटल अंतर की समाप्ति, जो गैप है डिजिटल का, जैसे शहरों में डिजिटल जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा है, गांवों की तरफ नहीं है, तो इस गैप को हमें मिटाना है, डिजिटल सशक्तिकरण पर आधारित है। इसका विजन क्या है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना है, डिजिटल अंतर की समाप्ति करनी है और डिजिटल सशक्तिकरण करना है हमें, ठीक है। तो एम क्या है, इसके उद्देश्य, इस अभियान का उद्देश्य तीन सिद्धांतों पर आधारित है, सभी के लिए ब्रॉडबैंड की उपलब्धता, या ब्रॉडबैंड वो होता है जिससे हमें इंटरनेट मिलता है, जो हम इंटरनेट चलाते हैं ना, ब्रॉडबैंड के जरिए भी नेट चलाते हैं, तो सभी के लिए ब्रॉडबैंड उपलब्ध होना चाहिए। और दूसरा है गुणवत्ता युक्त सेवा होनी चाहिए, यानी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम नेट चला रहे हैं तो बफरिंग ही हो रही है, कुछ चल ही नहीं पा रहा है। और किफ़ायती सेवा होनी चाहिए, यानी अफोर्डेबल होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, या जो लोग बहन कर सकें उसका, ऐसी होनी चाहिए। और ग्रामीण व सुदूर क्षेत्रों समेत पूरे देश में वर्ष 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा को उपलब्ध कराना है, ये एक एम है। हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कौन सी ईयर तक हमारा ये एम है कि पूरे देश में हमें ब्रॉडबैंड की सेवा उपलब्ध करानी है, तो हमारा एम होगा 2022 तक। ईयर पूछ लेते हैं ना कभी कभी, 2022, 2024, 2025, तो हमें याद रखना है 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवा को पूरे देश में उपलब्ध कराना है। और 2024 तक क्या करना है, वर्ष 2024 तक टावर घनत्व प्रति हज़ार की आबादी पर 0.42 से बढ़ाकर 1.0 करना है। देखिए अभी जो टावर घनत्व है हमारा 0.42 है, 0.42 का मतलब ये होता है कि 1000, अगर 1000 की आबादी है उसके अंतर्गत 0.42 टावर है। अब पॉइंट में टावर तो लगेंगे नहीं, लेकिन रेशियो हम निकालते हैं तो तब निकलता है 0.42। हमें कहाँ तक करना है, इसे एक तक, यानी 1000 पीपल हैं तो उनके बीच में एक टावर होना बहुत ज़रूरी है। 2024 तक होगा ये, इसका एक लक्ष्य है ये। दूसरा, मोबाइल और इंटरनेट सेवा की गुणवत्ता को बेहतर करना है, वो तो होगा ही, जब ब्रॉडबैंड सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी, टावर इतने लग जाएंगे तो मोबाइल और इंटरनेट की सेवा बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इसके अंतर्गत भारत नेट कार्यक्रम था ना, अब हम भारत नेट कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। भारत नेट प्रोग्राम क्या कह रहा है, भारत नेट परियोजना का नाम पहले OFC नेटवर्क था, पहले इसका नाम क्या था, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो क्वेश्चन यहाँ पुटअप ये हो सकता है कि OFC नेटवर्क का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, यानी ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क का नया नाम क्या है। तो हमें याद रखना है भारत नेट कार्यक्रम है इसका नया नाम क्या है, इसका भारत नेट परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड किफ़ायती दरों तक उपलब्ध कराया जाना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें 2.5 लाख गांव तक, 2.5 लाख जितने भी हमारे गांव, 2.5 लाख से अधिक गांव हैं, तो वहां तक हमें ब्रॉडबैंड यानी ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लगाने हैं। अब ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, ऑप्टिकल फाइबर एक तरह की केबल होती है जिसके थ्रू हमें इंटरनेट के, मतलब इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होती है। तो ये साइंस एंड टेक का वो है ऑप्टिकल फाइबर। तो इसके, इससे क्या होता है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड हमें मिलता है, यानी जो टावर से जो एंटीना के जरिए इंटरनेट इतना स्पीड नहीं आती जितनी ऑप्टिकल फाइबर लगाने के बाद आती है, और किफ़ायती दरों पर उपलब्ध हो जाएगी, यानी अफोर्डेबल प्राइस पे हमें ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड ब्रॉडबैंड लगानी है, गांव-गांव तक पहुंचाना है, गांव में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी करनी है भारत नेट कार्यक्रम के जरिए, ठीक है। इसके तहत ब्रॉडबैंड की गति 2 से 20 Mbps तक होगी, हमें बस याद करना है, रट्टा मार सकते हो, मारना चाहो तो 2 Mbps से 20 Mbps तक की स्पीड होनी चाहिए, मेगाबाइट पर सेकंड होती है ये, 2 Mbps से 20 Mbps, ठीक है। इसके तहत जिला स्तर पर भी सरकारी संस्थानों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है, यानी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हैं वहाँ पर, हमारे गांव में तो पहुंचाना है लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी हमें ये पहुंचाना है, कहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचानी है, सरकारी संस्थान जो बने होंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या है, इस परियोजना का वित्त पोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड एक इस तरह का फंड बनाया गया है, इसमें इसी से इसका वित्त पोषण होगा, इस फंड में पैसे होंगे, उस फंड से पैसे निकाले जाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इसका वित्त पोषण होगा। जैसे ऑप्टिकल फाइबर बिछानी है, कहाँ से कहाँ तक लगानी है, क्या करना है, तो कौन सा एक, इसके लिए एक फंड अलग से बना दिया गया है, इसे USOF नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। इस परियोजना का उद्देश्य राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी से ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में नागरिकों एवं संस्थानों को सुलभ ब्रॉडबैंड सेवाएँ उपलब्ध कराना है, यानी इसका एम क्या है,
राज्यों तथा निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी, यानी स्टेट केंद्र सरकार की ये योजना है, इसमें स्टेट और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर की जो हिस्सेदारी से हमें क्या करना है, ग्रामीण गांवों में और दूर दराज के इलाकों में हर नागरिक को और संस्थानों को, संस्थान जैसे स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें ब्रॉडबैंड की सेवाओं को उपलब्ध कराना है। गाँव में दूर दराज के एरिया में भी हमें इंटरनेट पहुँचानी है, ठीक है। इस परियोजना के तहत ब्रॉडबैंड को ऑप्टिकल फाइबर के जरिए पहुंचाया जाएगा, यानी जो ब्रॉडबैंड है, इंटरनेट की जो सुविधा है, उसको हमें ऑप्टिकल फाइबर के जरिए पहुंचाया जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए बिछा के, केबल होती है एक तरह की, इनको बिछा के पहुंचाया जाएगा। लेकिन जहां ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना संभव नहीं होगा, यानी जहां पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं पहुंच सकती हैं, वहां वायरलेस एवं सैटेलाइट नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। यानी जहां पे ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है अगर वहाँ पे, तो हम वहाँ पे वायरलेस या सैटेलाइट नेटवर्क भी यूज कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो इस परियोजना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड को ऑप्टिकल फाइबर के तहत ही पहुँचा जाएगा, तो फोर्सफुली केवल लिख के आ जाता है, ओनली लिख के आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, अगर नहीं पहुँच पा रहा है तो वायरलेस और सैटेलाइट नेटवर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाँव में इंटरनेट पहुँचाने के बाद निजी सेवा प्रदाताओं को भी मौका दिए जाएंगे ताकि वे विभिन्न प्रकार की सेवाएं मुहैया करा सकें। देखिए ये बता रहे हैं कि जब गांव में इंटरनेट पहुंच जाएगी तो निजी जो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट सेवा प्रदाता जो हैं, उनको मौका दिया जाएगा वो किस प्रकार की सेवाएं वो उपलब्ध कराना चाहते हैं, यानी एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी एक एग्जाम्पल बनेगा ये, ठीक है। स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं कौशल विकास केंद्रों में इंटरनेट कनेक्शन निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे, यानी जो स्कूल्स हैं गाँव के और स्वास्थ्य केंद्र हैं, हॉस्पिटल्स हैं और कौशल विकास केंद्र हैं, उनमें एकदम निःशुल्क ये सुविधा पहुंचाई जाएगी, ठीक है, तीनों के लिए निःशुल्क है ये। और एक और है तरंग संचार। पूछा जाए तरंग संचार क्या है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है तरंग संचार? 2 मई 2017 को दूरसंचार विभाग ने मोबाइल टावरों को EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्सर्जन के अनुपालन से संबंधित सूचनाओं को साझा करने के लिए तरंग संचार नामक एक वेब पोर्टल की शुरुआत की थी। सबसे पहले एक बात उठती है, ये क्या है? तो तरंग संचार एक वेब पोर्टल है, ठीक है। किससे रिलेटेड है? मोबाइल टावरों से जो EMF यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जब टावर या कम्युनिकेशन जब हो रहा होता है टावर के थ्रू, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वहाँ पर। तो ये क्या करेगा, ये तरंग संचार वेब पोर्टल है तो हमें बताएगा कि कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है यहाँ पर। तो सुनने में आता है कि जहाँ टावर लगे हों तो वहाँ पर रेडिएशन होता है, पक्षियों पर असर पड़ता है, रिहायशी इलाकों पर असर पड़ता है, तो उसको ये बताएगा कि यहाँ पर टावर लगा हुआ है, इस लोकेशन में ये टावर लगा हुआ है, इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है इतना है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो रेडिएशन हो रहा है वो इतने एरिया में हो रहा है और इतना हो रहा है, ठीक है। तो 2017 में लागू हुआ था यह पोर्टल, लोगों को मोबाइल टावरों से EMF उत्सर्जन के संबंध में नवीनतम विकास और संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा, यानी वही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो रेडिएशन हो रहा है, एक तरह से ये मान सकते हो कि रेडिएशन डिटेक्टर की तरह काम करेगा ये तरंग संचार, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कितना रेडिएशन हो रहा है हमारे आसपास, एक पोर्टल होगा। इसके साथ ही लोग इस पोर्टल पर अपने सुझाव और फीडबैक भी दे सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं, आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो अपना सुझाव और इस पोर्टल पर हम दे सकते हैं। इसके अलावा यह पोर्टल मोबाइल टावर उत्सर्जन के बारे में लोगों की गलतफहमियों को भी दूर करेगा, यानी किसी ने हमको बता दिया कि बहुत सारा रेडिएशन हो रहा है यहाँ से, बहुत कैंसर जैसी बीमारियाँ हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इस मिथ को भी ये तोड़ेगा, ये गलतफहमियाँ होती हैं, तो बताएगा तरंग संचार पोर्टल पर जाके हम देख सकते हैं कितना हार्म है, कितना हो रहा है यहाँ से रेडिएशन, किस रेंज में कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक तरह से वेब पोर्टल है और आप लोग देखना इसे खोल के, बहुत अच्छा है। तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में किसने मोबाइल टावरों और EMF उत्सर्जन के अनुपालन से संबंधित सूचनाओं को साझा करने के लिए तरंग संचार नामक एक वेब पोर्टल की शुरुआत करी है? बस ये पूछ रहे हैं, टावरों और EMF उत्सर्जन यानी EMF रेडिएशन के अनुपालन की सूचना अगर देनी है तो तरंग संचार एक वेब पोर्टल है, वो किसने शुरू किया है? फर्स्ट ऑप्शन है ट्राई, ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन सी है दूर संचार विभाग, ऑप्शन डी है CDAC। आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं आपको, आंसर का इंतजार रहेगा हमें, ठीक है। और अगर आपको कोई सुझाव देना है, कुछ बताना है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन होना है, या किस टॉपिक पे मुझे वीडियोस आगे बनाने हैं, किससे इंटरेस्टेड हैं आप,
ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ASKCSE आस्क CSE जोड़ सकते हैं, इससे जुड़ जाइए और उसमें मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ, उसे डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और CSE द एजुकेशन रिवॉल्यूशन के जो चैनल है, जो एक इनिशिएटिव है पढ़ाई का, उसको उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करिए। इससे क्या होगा, जो फ्री में अफोर्डेबल वो जो शिक्षा हमें मिल रही है वो और लोगों को भी मिल सकेगी जिनको जिसकी ज़रूरत है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक करिए, और डिसलाइक करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसलिए हमें अच्छा नहीं लगा है ये और हमें ये सुधार की ज़रूरत है इसमें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।